और 3 मई से इस बार प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं और 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। यात्रा काल के दौरान जब तक बरसात नहीं होती तब तक हालात तो ठीक रहते हैं, लेकिन बरसात के शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। बरसात के कारण यात्रा मार्गों के बंद होने के कारण यात्रियों से लेकर प्रशासन को भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बंद पड़े रास्तों के कारण यात्रियों को सड़क पर ही जो है दिन बिताने होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर चार जो है यहाँ पर चार धाम यात्रा को लेकर भी और साथ ही चमधार के पास ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये मार्ग 2 से 3 दिनों तक बंद हो जाता है और आपको बता दें कि रास्ता खोलने के लिए यहाँ पर लोक निर्माण विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रास्ता अगर खुल भी जाए तो यहाँ पर फिर बरसात होने पर मार्ग बंद हो जाता है। इस बार भी यात्रा के दौरान लोगों को चार धाम जो है यात्रा को लेकर यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।